हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट एंड ट्रैवल। ये देखिए हम बना रहे हैं मीठा कद्दू। हमने ले लिया है कद्दू, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और बनाएंगे इसको। ये देखिए हम मीठा बना रहे हैं, इसके लिए डाल देंगे गुड़, इमली और उसके साथ में है टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और साथ में है जीरा, नमक और हल्दी। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। ऐड करेंगे हम थोड़ी सी सौंफ और डाल दिया है जीरा साथ में, और डालेंगे प्याज। देखिए हमारे प्याज जो है हल्के से पिंक हो गए हैं, बस इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। आप इसमें अगर मेथी का तड़का लगाते हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हम इसको झटपट बना रहे हैं तो इसलिए इसके अंदर हमने मसाले कम डाले हैं। लीजिए इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और हरी वाली मिर्ची। ऐड करेंगे इसी में अपना नमक और उसी के साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। डाल देंगे थोड़ा सा पानी इस मसाले को अच्छे से पक जाने देंगे। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपनी सब्जी। जितनी देर हमारा ये मसाला हो रहा है उतनी देर में हमने अपना इमली का पल्प छान लिया है। देखिए हमारे मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है, ये हो गया है रेडी। इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपने कद्दू को। फ्रेंड्स, इस कद्दू की सब्जी के साथ में अगर मसाले वाली पूरी बनी हो तो इसका स्वाद डबल हो जाता है। इसको आप पूरी के साथ में खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। लीजिए सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दीजिए गुड़। आप चाहो तो शक्कर भी ऐड कर सकते हो, हमने गुड़ को ऐड किया है। ऐड करेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ताकि ये जल्दी पक जाए। जब ये आधे से ज्यादा पक जाएगा उसके बाद में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना इमली वाला पानी। अगर हम इमली को डाल देंगे तो ये इसको पकने में टाइम लगेगा, सो जब आधी पक जाए उसके बाद में ही आप इमली को डालिए ताकि आपकी सब्जी फटाफट से बन जाए। लीजिए इसको कर देंगे हम कवर। अब दिखाएंगे आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी को बनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, इसका पानी भी सूख सा गया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपना इमली वाला पानी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आप चाहो तो इसको हल्की सी तरीदार रख सकते हो, अगर आप बिल्कुल सूखी चाहते हो तो बिल्कुल सूखी भी बना सकते हो। चलिए आपको इसका दिखाएंगे हम फाइनल बना हुआ। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। देखिए इमली को डालते ही हमारी जो सब्जी का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास में सारे नोटिफिकेशन आते रहें। ये देखिए अभी इसको थोड़ी देर पकने देंगे और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। लीजिए हमारी कद्दू की सब्जी हो गई रेडी। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। लीजिए फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए इसको आप पूड़ियों के साथ। ये पूड़ियों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके साथ में जुड़े रहेंगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।